मैं आगे बढ़ रही हूँ। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है घनश्याम तिवारी जी कि जब इस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं विदेश की जमीन से, अभी तक तो बातें ही थी, लेकिन अब वो जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें आप देखिए ना, इल्हान उमर, रो खन्ना, इसके अलावा और कौन, पन्नू की जो चिट्ठी सामने आती है उसमें वो कहता है कि साहब खालिस्तानी समर्थक, मतलब ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं या जो भारत विरोधी मानसिकता विदेश में है उसे खाद पानी देने के लिए राहुल गांधी की ये अमेरिका विजिट है क्या सर? नमस्कार रुमाना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, मैं वॉशिंगटन में हूँ इस समय और एक स्टडी टूर है जिसमें अमेरिकन इलेक्शंस को स्टडी करने के लिए अनेक देशों से लोग आए हुए हैं, मैं उसका हिस्सा बन के वॉशिंगटन में हूँ। और मैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी था जब एक भाषण राहुल गांधी जी का वहाँ पर हुआ था, वहाँ के प्रोफेसर से भी मिला। मुझे लगता है ये जो हाई पिच है वो लोगों का नज़रिया हो सकता है। यहाँ जो छात्र बैठे थे उन्होंने क्या देखा, मैं क्योंकि उस हॉल में था, उन्होंने देखा कि भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन खुलेआम प्रेस से सवाल ले रहे हैं, छात्रों से सवाल ले रहे हैं, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी नोट्स के अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में एक बार पुनः ऐसा माहौल है कि लोग एक साथ मिल करके देश का विकास करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरीके से देश को बांट रही थी वो जो घनघोर खतरे के बादल थे उत्तर प्रदेश से, समूचे देश की जनता ने उसे हटा दिया। उन्होंने इंडिया अलायंस की बात की और मुझे लगता है कि जब देश के नेता यहाँ आते हैं, चाहे अखिलेश जी आएंगे, आगे अन्य नेता भी आएंगे, तो ये बातें जो भारत के लोकतंत्र की बुनियादी मजबूती है कि क्या भारत के नेता आकर के यहाँ खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बंद कमरे में नहीं, खुले तौर पर लोगों से मिल सकते हैं, चाहे उनके विचार जो भी हों, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, और कई बार आ चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, क्या देश की प्रेस ने पूछा कि उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? ठीक है, वो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, अमेरिका में क्यों डरते हैं? क्या आपने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री खुलेआम किसी मंच पे छात्रों से, स्टूडेंट से सवाल ले रहे हैं? हम अपने अपने नजरिए पे बहस करते रहते हैं। हमने 10 साल वो दौर देखा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस कराई है जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ा है, लिंचिंग हुई है, तरह तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन आज देश उस दौर में है जहां सारी बातें खुलेआम की जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, जो सवाल होंगे खुलेआम होंगे, किसी को छुपने की जगह नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति छुपे हुए हैं, वो है देश के प्रधानमंत्री। आराम से कह दिया कि साहब इस तरीके का माहौल बना दिया गया, हिंदू मुस्लिम बहसें होने लगी। ये हिंदू मुस्लिम की जब आप बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट्टर मानसिकता की बात करते हैं और उस कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए कटघरे में आप बीजेपी को खड़ा करते हैं, लेकिन जब आप खुद ही उन कट्टर चेहरों के साथ नजर आते हैं तस्वीर में तो उसको लेकर अगर हम सवाल पूछते हैं सर, तो फिर हम पर आरोप लग जाते हैं कि साहब आपको तो कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब ये इल्हान उमर कौन है सर? क्या ये कट्टरपंथी नहीं है? रो खन्ना कौन है सर? क्या ये कट्टरपंथी नहीं है? ये खालिस्तानी समर्थक सर, ये कट्टरपंथी नहीं है? इन कट्टरपंथियों के साथ अगर आप खड़े हो रहे हैं सर, तो आप उससे क्या संदेश दे रहे हैं? दो बातें कहता हूं। पहले तो कट्टर बात, जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, भैंस से लेकर के न जाने क्या क्या बातें कहते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, कट्टरता तो वो है, और अपने अपने माइक के पीछे छुप करके प्रेस से बात न करना, अपने देश में प्रेस से बात करना, नहीं बात करना, कट्टरता वो है। रही बात आपने रो खन्ना की बात की, मैं रो खन्ना से कई साल पहले मिला था कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया वो जगह है जहां पर देश के सबसे सफल जो इंडियन अमेरिकन है वो रहते हैं, जिनकी बुनियाद पे भारत की जो विदेश नीति है अमेरिका में बहुत मजबूत है। यहाँ पे टीवी पे एक छोटी सी एनालिसिस करके कह देना कि रो खन्ना कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी है, जब देश के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कल अगर अजय लोग यहाँ आते हैं तो ये जरूरी है कि देश के नेता जिस देश में जाएं उस देश में अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोगों से मिलें और अपने लोकतंत्र की मजबूती को दिखाएं कि हम प्रेस से मिल सकते हैं, हम अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिल सकते हैं और खुले मन से मिल सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। और पाकिस्तान के समर्थकों, जैसा कि आप रो खन्ना की बात कर रहे हैं, मतलब वो पाकिस्तानी कांग्रेशनल जो कॉकस है वो उसका हिस्सा बनने वाले पहले अमेरिकन इंडियन है, और आप कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक किया राहुल गांधी, मतलब इल्हान उमर जो है वो खुलेआम, वो पाकिस्तान जाती है, वो पीओके जाती है और वो पीओके को पाकिस्तान का बता देती है, वो हम पर सवाल उठा देती है, हमारे हिस्से को पाकिस्तान का बताते हैं, वो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन का ज्ञान देकर चली जाती है, मतलब उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से सर, भारत सरकार की तरफ से विरोध किया जाता है? हमारी कोई विदेश नीति है सर? विदेश नीति है हमारी कोई? बहुत लंबा सवाल है, छोटा सा जवाब दूंगा।
हिंदुस्तान का दुश्मन कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो किसी ने दिया है। अलग अलग लोग अलग अलग मंचों पे अपनी बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं इलान उमर से नहीं मिला हूँ, रोह खन्ना से मिला हूँ, ठीक है, और मैं मिलकर अपने अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मुझे कोई उसमें हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं दिखाई दिया। मुझे उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो भारतीय लोगों के, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की मजबूती से यहाँ की राजनीति में मजबूत हुआ और उसने भारत के लोगों के लिए अनेक काम किए। ये जो सर्टिफिकेट बांटने वाला काम है, इस दुकान को देश की जनता ने बंद कर दिया इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने सब तरह के सर्टिफिकेट बांटे। डॉक्टर अजय आलोक से उसके बाद में दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, जो बुनियादी बात यहाँ पर रख रहे थे पॉइंट अपना घनश्याम जी, वो ये कह रहे थे कि इससे तो भारत की जो लोकतंत्र उसकी मजबूती नजर आती है ना, कि आप विदेश में आ रहे हैं, आप अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिल रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किसी के भी सवाल ले रहे हैं, ये ताकत दिखाता है। डॉक्टर अजय आलोक, एकदम ताकत दिखाता है रोमाना जी। घनश्याम तिवारी उनकी पार्टी को रोह खन्ना बिल्कुल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं लगता है। उलान उमर, राहुल गांधी कोई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं लगते हैं। पन्नू, राहुल गांधी और घनश्याम तिवारी की दोनों की पार्टी को एंटी इंडिया का हिस्सा नहीं लगते हैं। ये इनकी सोच है, ये कट्टरता हमें ये पहली बार समझ में आई कि कोई प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है तो वो कट्टर हो जाता है। आइडियाज देखिए कहाँ कहाँ से निकल आ रहे हैं, मतलब इस पे डिस्कशन भी करना क्या जरूरी है? डाइवर्स आइडिया से, अपने अपोजिट आइडिया से मिलने में कोई हर्ज नहीं है अगर वो ऑफिशियल एंगेजमेंट हो तो। पर्सनल कैपेसिटी में आप मिल रहे हैं तो आप भारत की अगर आप संवैधानिक पद पे हैं तो आप कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको अलाउ करना चाहिए ऐसी चीज को? क्या देश हमारा सोचेगा? और सर्टिफिकेट कोई नहीं बांट रहा है, यहां सबको पता है कि दुश्मन कौन है, यहां पता है कि खुलेआम खालिस्तान की वकालत कौन करता है, यहां पता है कि कौन पाकिस्तान की वकालत करता है। लॉबी हम भी करती है, भारत भी लॉबी करती है, ठीक। अपने समर्थन में भारतीय सांसद, अमेरिकन सांसदों की फौज तैयार करती है। बात कीजिए, बात करने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना इनकोहेरेंसी है, और इनकोहेरेंसी के कारण घनश्याम भी बोल रहे हैं कि रोह खन्ना में उनको कुछ एंटी इंडिया नहीं दिखता है। कैलिफोर्निया अगर सॉफ्टवेयर हब है जहां पे इंडियन एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा है, तो कैलिफोर्निया के खालिस्तानियों का भी हब है, ये घनश्याम जी क्यों भूल जाते हैं? उसी कैलिफोर्निया के हमारे दूतावास में घुस के खालिस्तानियों ने अपना झंडा ठहरा दिया था सैन फ्रांसिस्को में। उस वक्त तो कहां गए थे रोह खन्ना? राहुल गांधी जो है बोला गया था अलग अलग विचारधाराओं और जो देश के दुश्मन है उनमें फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार संदेश क्या देना चाह रहे हैं राहुल गांधी अगर वो इलान उमर जैसे लोगों के साथ वहां पर मेल मुलाकातें कर रहे हैं? सर, पंकज जी, जी मेरे मन में दो तीन सवाल हैं। इलाना उमर ये इको आ रहा है, बहुत पता ही नहीं चल रहा। इलाना उमर कौन है? आतंकवादी हैं या अमेरिकी संसद की सदस्य हैं? इलाना उमर आतंकवादी हैं या अमेरिकी संसद की सदस्य हैं? वो राहुल गांधी से, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं भारत के, 10-15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला अमेरिकी सांसदों का, उसमें मिलने गई थी या अलग से कोई मुलाकात हुई? तीसरी बात, आपने कहा कि इलाना उमर पीओके गईं और उन्होंने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया, इसलिए वो हमारे देश के दुश्मन हैं। नवाज शरीफ साहब क्या पीओके को भारत का हिस्सा बताते थे? जब 2015 में नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री गए, उनकी माताजी के पैर छुए, उनकी निकाह की पोती, उनके पोती के निकाह में शामिल हुए और बिना 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 किसी निमंत्रण के अफगानिस्तान से लौटते हुए नवाज शरीफ साहब के घर चले गए, तो नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान हमारे देश का बड़ा दुश्मन है या इलाना उमर हमारे देश की बड़ी दुश्मन है? तो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं और 3-4 दिन हर दिन उनकी यात्रा पर कोई ना कोई विवाद खड़ा करना है, इस तरह के बेमतलब के मुद्दों को उछालना, अगर यही काम रह गया है मीडिया का तो फिर क्या कहा जा सकता है? लेकिन आप खुद बताइए कि क्या इलाना उमर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिली? एक प्रतिनिधि मंडल जाता है तो क्या भारत के प्रतिपक्ष के नेता को उससे मिलने से इनकार कर देना चाहिए? ये तो हो नहीं सकता। अब हर चीज़ में विदेशी धरती पे भारत की बदनामी, रोमाना जी परंपरा तो यही थी रोमाना जी, जी। कि जब विदेश में हम हों तो अपने देश के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करें, लेकिन ये परंपरा तोड़ी किसने? एक साल बाद प्रधानमंत्री बनने के, जब नरेंद्र भाई मोदी चीन गए, जब दक्षिण कोरिया गए, जब अमेरिका गए,
तो उन्होंने वहाँ मई जून में सितंबर में क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले लोग सोचते थे कि अरे कहाँ जन्म ले लिया, पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि भारत में मेरा जन्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब स्कैम इंडिया मेरे आने के बाद स्किल इंडिया बन रहा है। ये सारे बयानों पर हम दो दिन पहले बात कर चुके हैं, आज इस मुलाकात पर, और आपने यहाँ पर जो बात कही है कि साहब मुलाकात तो क्या गलत किया, उन्होंने जोड़ दिया डॉक्टर अजय आलोक, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान ही चले गए थे वो भी बिन बुलाए। मैं 10 सेकंड बताता हूं। आपके दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि एलाना उमर क्या है। वो न सिर्फ डेमोक्रेट से मिनेसोटा की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव हैं डिस्ट्रिक्ट 5 से, बल्कि उन्होंने क्या क्या एंटी इंडिया काम किया ये आपके दर्शक जान ले। सबसे पहली बात, वो लगातार बोलती रहती हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को जेनोसाइड का खतरा है भारत में, बहुत भारत सपोर्टिव बात है। वो 370 के खिलाफ जब हटाया था भारत ने तो उसके खिलाफ अमेरिकन सेनेट में सर, ये प्रस्ताव लेके आया रख दिया ना कि इलहान उमर जो है वो ज्यादा बड़ी भारत की दुश्मन है या पाकिस्तान, वो तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। आप मुझे मत बताइए इलहान उमर क्या है, हम सब जानते हैं। वो कंपैरिजन को अलग ले गए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरा एक ऑफिशियल ट्रिप था, उस वक्त हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे, उसी के कारण पाकिस्तान में गए भी थे, अनौपचारिक तरीके से चले गए, लेकिन वो रिश्ते नहीं सुधरे, तब हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि हम बात भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है राकेश शुक्ला जी की टिप्पणी हम सबको सुननी चाहिए। सर यहाँ पर घनश्याम जी की तरफ से कहा गया कि साहब राहुल गांधी वो मैसेज क्या दे रहे हैं आप ये देखिए, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी को राजनीति वहाँ विदेश में अमेरिका में करनी है। सर उन छात्रों के बीच जो राहुल गांधी का वो देख रहे हैं पोस्टर की किस तरीके से सवालों के जवाब दे रहे हैं, या वापस यहाँ देश में आकर करनी है जहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि भारत के दुश्मनों से राहुल गांधी मुलाकात क्यों कर रहे हैं? दो विषय हैं रोमाना जी। पहला ये कि ये सही है कि इलहान जो हैं, इलहान उमर सांसद हैं जी, तो सांसद के रूप में जब अमरीकी संसद में प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था तो जिस तरह आज सांसद का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी जी से मिल रहा था, उस समय सारे सांसदों को प्रधानमंत्री के भाषण में भी शामिल होना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इन्होंने बहिष्कार किया था। एक विषय। दूसरा, राहुल गांधी जी की जो बात की जा रही है 2017, 2022, 2024, अभी तक जो आपकी हेडलाइन वो सही है, ये संयोग नहीं प्रयोग है। राहुल गांधी जी हमेशा प्रयोग के लिए अमेरिका गए, 17 में गए, गुजरात में चुनाव था, अमेरिका में बैठ के उन्होंने कहा कि भारत में हिंसक घटनाएं हो रही, उस पर उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की, हालांकि कांग्रेस गुजरात में हार गई। 2022 में वो फिर अमेरिका गए और उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और 22 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, हालांकि कांग्रेस वहाँ भी सफल नहीं हुई। और अब वो किससे मिल रहे हैं, जो पृथक कश्मीर की पक्षधर हैं, जो पीओके की पक्षधर हैं, उनसे मिल रहे हैं, और आप देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि प्रत्यक्ष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलग दो प्रधान दो विधान का जो एजेंडा है उसका, 370 वापस जी, जो वो कहते तो उसका वो समर्थन नहीं करते हुए अमरीका से वो मैसेज कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे के साथ है। एक नेता प्रतिपक्ष जो है भारत में प्रधानमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में दूसरा व्यक्ति होता है, और जिस देश की सांसद प्रधानमंत्री का अपमान करे, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को उस सांसद से मिलने से परहेज बचना चाहिए था। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये जो मुलाकात, और वो भी ऐसे लोगों से जिनकी साफ तौर पर भारत विरोधी छवि है राहुल गांधी ने की है, अब इसके मायने जो है वो बहुत दूर तलक और देर तलक तलाशे जाएंगे। ABP News, आपको रखे आगे।